हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैं मनीष सैनी एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पिका पर डिस्कस करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। वास्तव में पिका होता क्या है? पिका एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है जिसके अंदर किसी भी पर्सन को, चाहे वो मेल है चाहे वो फीमेल है, ऐसे सब्सटेंस या ऐसे पदार्थ खाने की इच्छा होती है जिनको खाने से किसी भी प्रकार का पोषण शरीर को नहीं मिलता है। हालांकि आपने नॉर्मल कंडीशन में देखा होगा, प्रेगनेंसी के दौरान प्रेग्नेंट वूमन को कुछ ईंट के टुकड़े या फिर कुछ चॉक खाने की इच्छा होती है। हालांकि ये कंडीशन उन्हें ही वुमेंस में ज़्यादा देखने को मिलती है जिनमें आयरन डिफिशियंसी टाइप का एनीमिया होता है। तो इस पिका कंडीशन में किसी भी पर्सन को अपने ही हेयर खाने की इच्छा होती है, किसी को चॉक खाने की, किसी को स्टोन, किसी को पेपर खाने की इच्छा होती है। हालांकि ऐसा नहीं है कि एक दो बार खाने से ही ये कंडीशन डेवलप हो जाती है। 2 से 3 महीने तक अगर लगातार कोई इस प्रकार का कंजप्शन कर रहा है तो उसे हम पिका कंडीशन में इंक्लूड करते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है। किसी पर्सन के द्वारा अपने ही हेयर को तोड़कर खाने की जो आदत है उसे हम क्या कहते हैं? ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो उसे हम कहते हैं ट्राइकोफेजिया। जबकि आपको बता दें, हेयर खाने के बाद वो अपने स्टोमक में जाकर एक्यूमुलेट हो जाते हैं और एक गुच्छे लाइक स्ट्रक्चर वहाँ पर बना लेते हैं स्टोमक के अंदर। उस कंडीशन को हम कहते हैं ट्राइकोबेजार। कुछ अदर सब्सटेंस हैं, जैसे किसी को आइस खाने की इच्छा होती है तो उसे हम पेगोफेजिया कहते हैं, किसी को स्टोन खाने की इच्छा होती है उसे हम लिथोफेजिया कहते हैं, पेपर खाने की इच्छा को जाइलोफेजिया, चौक या मिट्टी खाने की जो इच्छा होती है उसे हम जियोफेजिया के नाम से जानते हैं, ये कॉमन है। ग्लास खाने की जो इच्छा है उसको हम हाइलोफेजिया कहते हैं और डस्ट खाने की जो कंडीशन है उसे हम कोनियोफेजिया के नाम से जानते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स थी जो एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट थी। तो धन्यवाद फ्रेंड्स, आई होप आपको अच्छे से टॉपिक समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक पर ही। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।